गोविंद दादाजी, आपके गोविंद जी तो लाइब्रेरी में है। थैंक यू। थैंक यू। वो भी मुंह टेढ़ा करके। सुनो वो तुम जो कहना चाहती हो मैं पहले से बोल दूं। बोलो। यही कि आईपीएस एग्जाम में फर्स्ट आ गए, सीधे डीएसए बनने का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया, अब किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। करेक्ट। लेकिन मैडम एक अच्छी किताब यहाँ मिल गई कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहाँ तक कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। ये किताब मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगी जब तुम ऑफिसर बनकर वर्दी पहन लोगे तब। अब चलो, क्लब में सभी तुम्हें बधाई देने की राह देख रहे हैं। यानी ये खबर तुमने चारों तरफ फैला दी। ये तो मेरा फर्ज था। राधा का गोविंद इतना बड़ा आदमी बनने वाला है और किसी को मालूम ना हो। राधे राधे आदाब अर्ज है। हुजूर, लाइब्रेरी सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए होती है। हम दोनों किताब ही पढ़े थे। हा? मगर नैनो। हाँ। वो कहाँ छपती है? वो कहाँ? दिल के छापे खाने में। कामयाबी की मुबारकबाद। अरे गोविंद जी को तो हार पहनाया और राधा जी को भूल ही गए। फिर कभी ऐसा मजाक किया तो ठीक नहीं होगा। यार तुम तो अभी से पुलिस ऑफिसर जैसी बातें करने लगे। वर्दी पहने तक तो हमारे मजाक का वारंट मत निकालो। खामोश बदतमीज। अबे अगर वर्दी पहन ली होती तो तुझे रोड रूमी एक्ट में गिरफ्तार करके हवालात में नहीं पहुंचा देता। सुनिए सुनिए सुनिए, चोर खूनी डाकू इन सबको तो सजा मिल सकती है, लेकिन अगर कोई किसी का दिल चुरा ले तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? सजा उम्र कैद। जिसे चाहो अपना बनाना, तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, दिल का खजाना। तुम जिसे चाहो अपना बनाना, तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, दिल का खजाना। मरना किसी पे रात पुराना, तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उस पे लुटा दो दिल का खजाना, उस पे लुटा दो दिल का खजाना, दिल का खजाना।
मत सोचो कैसे कब कहाँ मिले, दिल मिले तो समझो दोनों जहाँ मिले, दोनों जहाँ मिले। ये मत सोचो कैसे कब कहाँ मिले, दिल मिले तो समझो दोनों जहाँ मिले, दोनों जहाँ मिले। जानता नहीं ये बात जमाना, तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना, दिल का खजाना। एक ही मंजिल एक ही ठिकाना, जिसे चाहो अपना बनाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना। तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना, उसे लुटा दो दिल का खजाना, हे उसे लुटा दो दिल का खजाना। मधुर मिलन की पहली घड़ी का पहला अभिनंदन। राधा शर्मा रही है गोविंद। याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? द्वापर युग में। तुम तो उस गोविंद से लाख दर्जा अच्छे हो। ये क्या कह रही हो बाला जी? क्योंकि तुम सच्चे मन से सिर्फ एक राधा को चाहते हो। न जाने वो कितनी गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज? हाँ कुछ आवाज आ रही ना, धक धक धक। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम्हारा तो दिल धड़क रहा है और बड़ी जोर से धड़क रहा है, धक 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 धक। लगता है शर्माने के साथ साथ घबरा भी रही हो। सुहाग रात को हर लड़की की यही हालत होती है। अच्छा, फिर वो ठीक कब होती है? सुना है ज्यादा से ज्यादा सुबह होने तक। ओहो, आधी रात तो गुजर गई, बातों बातों में कहीं पूरी रात गुजर जाए। बुजुर्गों ने कहा है कि सुहाग रात ही सारी जिंदगी की बुनियाद होती है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और एक वचन दो, ना मुझे रोकोगी ना टोकोगी। ये क्या किया तुमने? ये क्यों लाए थे तुम? देखो राधा, मैं पहले नौकरी में सेटल होना चाहता हूँ। एक बार पैसे जमा हो जाए तो फिर बाल बच्चे भी हों। हम दोनों पढ़े लिखे हैं और परिवार नियोजन तो हमारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में था वो मैंने फेंक दिया, अब सब भगवान के हाथ में है। ये राजा, कम ऑन, कम। सॉरी सर। शाबाश गोविंद, वेल डन। आज तक कितने ऑफिसर्स को ट्रेन किया लेकिन किसी ने मेरी आंख काली नहीं की, तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। थैंक यू सर। अरे मेरे छोटी सी पाली थी, मेरे छोटी सी पाली थी गुड़िया। उठाओगे? नहीं, इधर लगता है। बेटी के होते ही वाइफ का नंबर दूसरा हो गया। माय डियर वाइफ,
यू आर अ क्रूक। मैंने कितनी सावधानी बरती, फिर भी तुमने इस महालक्ष्मी को जन्म दे ही दिया। ये महालक्ष्मी नहीं, माँ दुर्गा है, जो हर खतरे और संकट से आपको बचाएगी। डीएसपी साहब, ऐसी बात है? चलो फिर, तुम्हारा हमने पहला जुर्म माफ किया। जुर्म? ये तो हमारे प्यार की पहली निशानी है। चलो मैं चलता हूँ। एक प्यार तो देते जाओ। अभी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे मैंने सुना मैं ट्रांसफर होने वाला। इतनी जल्दी? अरे इसीलिए दिन रात काम करते हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स मेरे काम से बहुत खुश हैं। अच्छा, ये तो आज की दूसरी खुशखबरी है। चलो बेटा क्या। घर बहुत अच्छा है। तुम भी बहुत अच्छी हो। अरे भाई, हमारे साथ रहने का यही तो मजा है, हर साल नया शहर, हर साल नया घर। लेकिन सुना है ये शहर बहुत बदनाम है, यहाँ अक्सर जुर्म होते रहते हैं। इसलिए तो खासतौर पर मुझे यहाँ भेजा गया है। भाई भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पति को अपनी ड्यूटी निभाने में सफलता मिले। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। हमारे समाज में हर एक पैसे वाले की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि अपनी दौलत में से कम एक चौथाई हिस्सा गरीब, निस्सहाय और खास करके उन अबला महिलाओं की मदद के लिए खर्च करें जो अनाथ हैं, जिनके लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं। ऐसी महिलाओं को हमें अपनी बहन, बेटी और मां समझना चाहिए, और इसी इरादे से मैंने जगह जगह अनाथ महिला आश्रम बनवाए हैं। इन्हें आप अपना घर समझकर एक परिवार की तरह साथ रहिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनाथ महिला आश्रम के उद्घाटन समारोह को समाप्त करता हूं। जय धर्मराज की, जय धर्मराज की। जल्दी आओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। ये लोग वही दीन दुखी मुसीबत के मारे, इन्हें मदद चाहिए। जो आए उसकी फौरन मदद की जाए, यही धर्मराज का धर्म और कर्म है। तुम हमारे सेक्रेटरी हो, जिसकी जो मदद करनी हो करो, तुम्हें पूरी छूट है। जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, आइए। काली, तुम यहाँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आपके गुलाम काली को कौन रोक सकता है साहब, आपने जो काम दिया था। क्या हुआ उसका? भई करके आ रहा हूँ। शाबाश काली, वो हरामजादा अपने आप को हमारे बराबर का समझ रहा था। ये लो, जब जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। नंबर दो, मटके की कमाई इतनी कम। नंबर नौ, तुम्हारा ब्रीफकेस भी आधे से कम। अपनी स्कॉच विस्की में मिलावट करने लगे हो क्या? हमारी जुए और देवियों की कमाई कभी कम नहीं हो सकती। ये ब्रीफकेस हमेशा भरा रहता है। नंबर 16, ये सब क्या?
के होते हुए इस शहर के लोग इतने सुधर कैसे गए? लक्ष्मी अगर नहीं आएगी तो हम समाज कल्याण कैसे करेंगे? इसमें सारा कसूर नए डीएसपी का है। डीएसपी? अरे कौन सा डीएसपी? कहां का डीएसपी? कब आया? क्यों आया? नाम रूपा है, एलआईसी में काम करती हूँ। अचानक बसों की स्ट्राइक हो गई। ओह गॉड, अगर आप ना आते तो। सीधा जाएं। आइए, सिट डाउन। इंस्पेक्टर वर्मा, इनकी रिपोर्ट लिखने के बाद किसी कांस्टेबल के साथ इन्हें हिफाजत से घर पहुंचा दिया जाए। यस सर, बैठिए। बैठिए। सर, ये कमिश्नर साहब ने भेजा है। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? तुम्हारे बड़े भाई हैं? दो हैं। मिल जाए अगर वो होते ना तो भी यही करते। क्या? यस सर। न मानी न पाए। अरे बाप काय को भेजा खा रहे लाए। I should not drink. ये ले माल। सिगरेट? ये। माल खत्म तो खेल भी खत्म। फिर आइएगा, अपना अड्डा तो दिन रात खुला है। डे एंड नाइट सर्विस। दैट्स राइट, गुड नाइट। उधर नहीं, इधर। इधर ओके, बाय। ये क्या वर्मा साहब, कल ही तो आपका हफ्ता गया था। खामोश, क्या पत्ते हो? ये हमारे बड़े साहब है डीएसपी। ओ तो क्या हुआ, बड़े साहब का वहां हफ्ता होगा? मेरा तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं और आपकी भी कोई जरूरत नहीं। आप घर जाइए और जितनी जल्दी हो सके ये वर्दी उतार दीजिए। मगर सर, दिस इज एन ऑर्डर। गो। यस सर। फोन रखो। किसे फोन कर रहा? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये अड्डा तुम्हारा? जी नहीं, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ।
अच्छा फॉलोअर डाउनलोड करी किसान आगे बढ़े। ये पुलिस रेड है और यही अय्याशी का अड्डा। आप सबको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। कानून के मुताबिक आज की रात आपको हवालात में गुजारनी होगी और कल आप सबको अदालत में पेश किया जाएगा। कमान कमान अरे तेरी था। मैं यहां पे अपनी ड्यूटी कर रहा हूं जिसमें दखल देने वाले के साथ सख्ती करने का मुझे कानूनी तौर पे हक है। मैं नहीं चाहता कि किसी को खामखा मारा या पीटा जाए। ये तभी हो सकता है जब आप लोग खामोशी के साथ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले। चलो 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 उठो चलो चलो। भगवान की अगरबत्ती में चरस और गांजे की बदबू। हाय यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। कम ऑन मूव। हाय हाय चलो चलो। सॉरी सेठ जी मैं कुछ कर नहीं सका। उल्टा मुझे रिश्वत लेने के जुर्म में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। गुड वेरी गुड। हमें अपने लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। ये नया डीएसपी यहाँ कब ट्रांसफर होके आया? एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। इससे पहले वो जिस शहर में था वहाँ बड़े बड़े गुंडे तो क्या जेब कतरों तक का सफाया कर दिया। वहाँ कोई सेठ धर्मराज नहीं होगा। हम बेकरार है तुम्हारे इस नए डीएसपी को मिलने के लिए। मंडे को हमारा जन्मदिन है, उसे इनविटेशन जरूर पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आप झूठ बोलना जुर्म है और हम किसी मुजरिम को माफ नहीं करते। अले बाबले मैंने झूठ क्यों बोला? मुझे तो आदत हो गई है लेकिन अपनी बेटी से जल्दी घर लौटने का वादा मत किया करो। अले बाबले आई एम वेरी सॉरी सर। मैं अपनी गलती मानता हूँ। सारी कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। अब कौन सी जज साहब के सामने? ओह योर ऑनर मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। हाँ तो तुम्हारी सजा यही है कि तुम जल्दी से अपनी बेटी को प्यार करके गुड नाइट करो क्योंकि इसे सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है। ओके केस डिसमिस्ड। एक टुक बताइए तुम। अच्छा बेशरम सुलाई जी पर डार्लिंग को। हाँ, सुलाई तो आओ अब दूसरी डार्लिंग को हम सुला दे। दूसरी नहीं पहली को, वो दूसरी है। ओके हमारे लिए तो दो डार्लिंग काफी है। अब तो किसी को माय डियर कहने को दिल करता है। क्या मतलब? मतलब ये दीपा भी 4 साल की होने को आई, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे छोटे भाई के साथ खेलने का मौका दे। कपड़े ले आ, चाचा की मेम साहब से पैसे ले ले। पैसे को मारो बोलिए हुजूर। आप मुझे हाथ कड़ी लगा के मुझे हवाला पे बंद कर दीजिए लेकिन उसे डायर से बचा लीजिए मुझे। किससे? अरे वो जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। मैंने ज्योतिषी महाराज को अपना हाथ दिखा दिया हुजूर। वो कहने लगे कि एक चुड़ैल सुंदर कन्या का रूप धारण करके तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम पे शादी करना चाहती है लेकिन तुमने जैसी उसे शादी की तुम वैसे ही मर रहे। मैं मौत से डरता हुजूर लेकिन आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप चुड़ैल ज्योतिषी क्या मालूम क्या बकवास कर रहा है। हुजूर पूरी बात तो सुन लीजिए हुजूर। पिछले 60 साल से मैं घर का धोबी हूँ। 60 साल से तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 25-26 साल की है। लेकिन मुझसे पहले मेरा बाप याद ना करता, उसके पहले उसका बाप,
था, प्यार ना करता, लेकिन हजूर आज तक किसी से ऐसी गलती नहीं हुई जो मुझे मुझे माफ कर दीजिए हजूर, उसे कहते मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए गर्म हो चुकी थी, मेरे हाथ में थी, अचानक वो चुड़ैल ने पीछे से आकर एक हाथ मेरे गले में डाल दिया और दूसरा हाथ मुझे दिखाकर बोली ये तुम मेरे गले में डाल दो बस हो गई शादी। हजूर मैं डर के मारे हाथ तोड़ के काम छोड़ के ऐसा भागा कि आपकी बदलू खराब हो गई। तू तो मेरी पैंट पहनी हुई थी। मेरी हुजूर मेरी स्त्री आपकी पैंट के ऊपर रह गई। तेरी स्त्री? अच्छा तो तेरी शादी हो चुकी है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं समझ गया, तू कोई नशा करके आया। नशा? राम राम हुजूर, मैंने तो आज तक सीधी साधी बीड़ी भी नहीं पी। तो फिर तू पागल हो गया। पागल तो आप होने वाले हैं गुस्से के मारे। मैं एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तूने मेरी वर्दी की पहन के सत्यानाश कर दिया। मेरी वर्दी की पहन का सत्यानाश। इडियट, सारा कसूर उस चुड़ैल का। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या वो चुड़ैल आती क्या मैं भागता हूँ ना आपकी मतलब खराब हो गई। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। भाग जा। माफ कर दिया? भाग जा। माफ कर दिया हुजूर ने? मुझे माफ कर दिया हुजूर ने? मुझे माफ कर दिया। सुबह सुबह इतना गुस्सा, ये मत पूछना कि क्यों, वरना जो मेरे पागल होने में थोड़ी बहुत कसर रही है वो भी पूरी हो जाएगी। साहब जीप स्टार्ट नहीं हो रही, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल तो ठीक है जी साहब, तो उसी को ले आओ जी साहब। और तेज चलाओ पापा, बड़ा मजा आ रहा है। हमारे बेटे को मालूम है शहर की स्पीड लिमिट क्या है? हाँ पापा, 30 किलोमीटर। इससे तेज चलाना जुर्म है। हाँ पापा। बेटी जानती है तुम्हारे पापा का काम क्या है? जुर्म करने वालों को पकड़ना। और तुम चाहती हो कि हम खुद जुर्म करें? नहीं पापा, पर तुम्हें कौन पकड़ सकता है? कानून सबके लिए एक जैसा होता बेटा, हमसे ऊपर और बड़े ऑफिसर हैं, उनसे ऊपर और बड़े। सबसे बड़ा कौन है पापा? प्रेसिडेंट जैल सिंह, यानी के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। वो तो मैंने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मम्मी कहती है कि भगवान सबसे बड़ा होता है। वो ठीक कहती है। उतरिए मैम साहब, आपका स्कूल आ गया। सुनो, शाम को छुट्टी होने पे मम्मी आके ले जाएंगी। अच्छा। ओके। ओलो ओलो ओलो। बाय बाय। सी यू। बाय। बाय पापा। अबे ओ अगलो। क्या है? मालूम है कौन थे? अपने नए डीएसपी साहब। मालूम है, तभी तो मैच चिप गया, क्योंकि बड़ा साहब खोटे धंधे करने वालों को सूंघ के ही पकड़ लेता है। अरे तो खोटे धंधे करना छोड़ दे। चुप रह, तू अपनी ईमानदारी अपने पास रख। ये चाहिए जी। सेठ जी नंबर 15। सेठ जी, अपनी 2 दर्जन देवियों की इस हफ्ते में सिर्फ 1,000 रुपए की आमदनी हुई है। हमने रेट घटा दिए हैं, फिर भी कोई नहीं फंसता। इस दरसे के डीएसपी गोविंद न जाने कब कहां रेट करते। तुम लोग सब बेकार हो, फोन रख दो। वंडरफुल, ये बेडरूम किसका है? नंबर 11। यही कहना चाहते हो तुम ना कि हमारे स्कॉच विस्की के दोनों ट्रक पकड़े गए, गोदाम में माल भरा पड़ा है मगर शहर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि हर चेक नाके पे पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। और कुछ? Get lost! Operator, nobody should disturb me. Hey?
कौन बुरी कौन कुछ पता नहीं चलता, आज हर काम उल्टा हो रहा है। नंबर नोट कर लिया जे, लाइसेंस दिखा क्या? दो पार्किंग का बोर्ड देखा नहीं जे? देखा, तभी तो यहाँ पार्क किया फटाफट, क्योंकि यहाँ से मेरा स्कूटर चोरी हो ही नहीं सकता, वो भी आपके होते हुए। आम तुमको नहीं छोड़ेगा, नया डीएसपी साहब बहुत कड़क है जी। इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, आप इधर देखते ही क्यों है? है, मैं इंटरनेशनल प्रेस रिपोर्टर हूँ, वो सामने के बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, बस यूं फटाफट गया। अभी तक लाइसेंस नहीं दिखाया ना? लाइसेंस तो घर पे है, ये भी गवर्नमेंट का है, हर जगह चलता है। रिश्वत को हाथ लगाना मना है जे? तो हाथ मत लगाइए, कौन हाथ लगाने को बोलता है? जाओ, नया आइडिया, हम तो रिश्वत को हाथ नहीं लगाया, ये अखबार वाला बड़ा बेजे वाला होता है जे। अरे हवलदार साहब, 5 मिनट के लिए मैं भी अपना मोटरसाइकिल इधर खड़ा करके सामने की बिल्डिंग में भाग के जाता हूँ और दौड़ के आता हूँ। तुम हमारा जेब में क्या डाला? 10 रुपया। 10 रुपया? साहब हमें रिश्वत नहीं लिया साहब। खड़े रहो यार, मैं अभी आता हूँ। बहन जी, आप हम खा धूप में सट्टा पा रही हैं, हाउसफुल का बोर्ड नहीं देगा, टिकट की खिड़की भी बंद हो गई। लेकिन मेरा ये शो देखना जरूरी है, मैं संध्या काल की प्रेस रिपोर्टर हूँ, शायद किसी के पास एक्स्ट्रा टिकट मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टिकट एक्स्ट्रा दाम, हम आपकी सेवा के लिए हैं। सिर्फ 5 टिकट बचे हैं, 6 रुपए की जगह 18 रुपए। तीना भाव, इसी धंधे से तो हमारी दाल रोटी चलती है बहन जी। अच्छा लो आइए। आप दोनों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक में टिकट खरीदना और बेचना दोनों जुर्म है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, आपकी तारीफ। मैं डीएसपी गोविंद की धर्मपत्नी हूँ। बाप रे, ओ पुलिस ऑफिसर की पत्नी होने का आप फायदा उठा रही हैं? जी नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं, हम आप और वो भी। हर नागरिक का फर्ज है भ्रष्टाचार को रोकना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जमला दास, वो नया आइडिया वाले 15 रुपए निकालो, इसमें से 5 रुपए साहब के वापस करो। इनको कितना फाइन सर? 25 रुपए और कांस्टेबल जमला दास को 7 दिन के लिए सस्पेंड। सर, हम बाल बच्चे वाला आदमी जी, इसीलिए 7 दिन, वरना तुम्हारी छुट्टी कर देता। चल जाओ। अच्छा साहब। ये 2 घड़ियां किस लिए पहनते हो? ये इंडियन टाइम है, ये इंटरनेशनल टाइम है, मैं इंटरनेशनल प्रेस रिपोर्टर हूं सर। बढ़िया। आपकी सख्ती के बारे में बहुत सुना था, आज 25 रुपए देकर सबूत भी मिल गया, मैं अपने अखबार में आपकी तारीफ छापूंगा। उससे बेहतर होगा कि एक पढ़े लिखे रिपोर्टर होकर पुलिस को रिश्वत देने के बजाय कानून की मदद करें। राधा, तुम यहाँ? अनिता, सुरेश, तुम इन्हें कैसे जानती हो? सिनेमा की टिकट लेने गई थी, ये उस आदमी से ब्लैक में टिकट खरीद रही थी, मैं हवलदार से कहकर इन दोनों को यहाँ ले आई। आपकी पत्नी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते। गुड। अगर हर नागरिक तुम जैसा हो जाए तो पुलिस का काफी बोझ हल्का हो जाएगा। ओके, लेकिन सुनो, हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम डीएसपी की वाइफ हो। सॉरी सर, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। वाह 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 वाह, मेरे आर्टिकल में आपकी वाइफ की भी तारीफ छपेगी। सर, इन दोनों को छोकरे को हवालात में डाल दो और मैडम को सेम फाइन 25 रुपए दीजिए। निशानिता, कम यार, तशरीफ रखिए। आप दोनों को जो फाइन पे करना पड़ा
सिर्फ इसलिए कि आज की बात आपको हमेशा याद रहे कि न्यूज मीडिया जिसमें अखबार वाले भी शामिल हैं, हम सबका एक ही फर्ज है, पुलिस को रिश्वत देने या ब्लैक में टिकट खरीदने के बजाय आप लोगों को कानून की मदद करनी चाहिए। मेरा अब तक का ये तजुर्बा है कि जुर्म और मुजरिमों के बारे में अखबार वालों को पुलिस से ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए आप क्या जानना चाहते हैं? यही कि इस शहर के क्राइम और पनिशमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वाई क्यों? क्योंकि यहां उसका कानून चलता है जिसने सरकारी कानून को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। कौन है वो? आप अभी तक नहीं जानते सेठ जिसको मुजरिम ठहराना आत्महत्या करने के बराबर है, फिर भी आपने हमें बहुत सस्ते में छोड़ दिया, इसलिए यह कैसे हो सकता है? क्योंकि इनके बारे में जो कुछ मैंने सुना है वो चांद के उस मुखड़े की तरह है जो हमें रोशनी देता है, लेकिन उसके पीछे के अंधेरे में जाने की हिम्मत किसी में नहीं। अखबार वालों में भी नहीं? अखबार वालों को भी अपनी जान प्यारी है। हमारी रिपोर्ट सबूत के साथ होने पर भी एडिटर और पब्लिशर की अलमारी में बंद होकर रह जाती है। दैट्स इट, मुझे वही रिपोर्ट चाहिए जो छपती नहीं। आज से हम आपके साथ हैं। थैंक यू। नमस्ते। सेठ जी, श्री भाव सागर शर्मा, समाज कल्याण मंत्री। अच्छा अच्छा, तो आप हैं समाज कल्याण मंत्री जी। लीजिए साहब, मेरे भाई साहब, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। आप समाज कल्याण मंत्री हैं तो हम साहब संतरी हैं। भाव सागर से हमारी जीवन नैया आपकी सहायता के बिना कैसे पार लग सकती है? आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं आपकी नैया को बड़े से बड़े तूफान में भी डोलने नहीं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए जाइए, स्वर्ग का आनंद उठाइए। सेठ जी, डीएसपी गोविंद, इस रिवॉल्वर का लाइसेंस दिखा सकते हो? डीएसपी, आप क्या कर रहे हो रामराज जी? जन्मदिन तो आपका है, हार तो आपके गले में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारा हार हमारे ही गले में, लेकिन हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। ये क्या? ये हमारे जन्मदिन की रीत है। हमारे जन्मदिन की पार्टी में पहली बार जो आता है उसे कोई ना कोई तोहफा हम जरूर देते हैं। सुना है आप कुछ लेते नहीं, इसलिए आपकी पत्नी और बच्ची के लिए। माफ कीजिएगा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी रिश्वत नहीं लेते। आप तो सिर्फ डीएसपी हैं, आपसे बड़े और ऊंचे औहदों वालों ने भी कभी हमारे तोहफों को रिश्वत कहने की हिम्मत नहीं की। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती धर्मराज। सेठ धर्मराज, लोग हमें सेठ धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। हाँ, वो लोग जो आपके इशारों पर नाचते हैं, आपके दान धर्म के साए में पलते हैं बेचारे। डीएसपी साहब, आप हमें हमारे जन्मदिन पर बधाई देने आए हैं या हमारा अपमान करने आए हैं? बधाई हो धर्मराज जी, बहुत बहुत बधाई हो। सिर्फ इसी जन्मदिन के रही, बल्कि आने वाले जन्मदिन के भी। भाई भगवान करे तब तक आप सही सलामत रहे। मतलब? मेरा मतलब है कि अब भलाई का जमाना कहां, और आप तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही समाज कल्याण करते हैं। आप जैसे बड़े लोगों के जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं। जरा सावधान रहना धर्मराज। ओ सेठ धर्मराज, नमस्ते। सेठ धर्मराज जी, ये उन चीजों की तरह है जो टूट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। ऐसी न जाने कितनी चीजें हमारे हाथों से टूट चुकी हैं। तुम खाना खा रहे हो या चख रहे हो? आज एक ऐसे आदमी का मुंह देखना पड़ा कि भूख मर गई। तुम बुरा मत मानना। कोई बहुत बड़ा मुजरिम होगा? सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि मुजरिमों का अंदाजा भी। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने दानवीर कर्ण की तरह सेठ धर्मराज का नाम ना सुना हो। आज उसका जन्मदिन था, उसके गले में फूलों का हार पहना के आया हूं।
ये फैसला करके कि उसके हाथों में हथकड़ी भी मैं ही पहनाऊंगा। अरे जाता कहाँ है मोरे सैया? अरे छोड़ मेरे भैया। हाय मेरे गुल्लू, मैं पढ़ू तोरे भैया। ये देख, ये देख, भगवान की भी इच्छा है। तेरे कुर्ते में लिपटी मेरी चोली, तेरे कुर्ते में तेरा दिल और चोली में मेरा। अब बोल तू कैसे नहीं होगा मेरा? किसी में हुआ तेरा, मुझे यमराज के दूतों ने घेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पाँव पड़ता हूँ चुड़ैल, मुझे जिंदा रहने से छोड़ दे पीछे मेरा। देख गुल्लू, अब तूने मुझे चुड़ैल कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी और असली चुड़ैल बनकर तेरे हाथ अच्छा खा जाऊंगी। अरे तो क्या, अभी तू नकली चुड़ैल है? देख गुल्लू, मेरा नाम है सलामी धोबन, लुच्चे लफंगे तक मुझे करते हैं सलाम, मेरी रूह पर जवानी पे मरते हैं। अरे तू फिर मेरा पीछा छोड़ना, उनके पीछे लग जा जाकर। गुल्लू तू है उल्लू, देख तेरे भी माँ बाप नहीं और मेरे भी नहीं, इससे अच्छी जोड़ी हो ही नहीं सकती। मुझे तेरे सिवा कोई भाता नहीं और तू मेरी बाहों में आता नहीं। अपनी जवानी के साथ साथ मेरी भी अच्छी जवानी को बर्बाद कर रहा है। चल चल ठीक है ठीक है, वैसे भी एक दिन तो मरना ही है, तू फैला अपनी बाहें, मैं अभी तेरी बाहों में समा जाता। सच मुझे राजा भाग्य साला तेरी तो। मेरा नाम सलामी धोबन, हम दोनों का एक धंधा। मेरा नाम सलामी धोबन, हम दोनों का एक धंधा। मेरा नाम सलामी धोबन, हम दोनों का एक धंधा। मेरा बंधन जैसा उखड़ा, अरे जा जा। मेरा नाम सलामी धोबन, हम दोनों का एक धंधा। Oh,
ए रिक्शा वाला, रुको 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 रुको, बाजार गेट पहुंचना है फौरन। भैया इन ट्यूब्स में क्या भरा है? हवा। हम लोग तैरना सीख रहे हैं, चलो। इधर किधर जाता है? स्विमिंग पूल। यू फूल, हम तुमको बाजार गेट चलने को बोला और तुम इधर जाता है? उधर कोई स्विमिंग पूल नहीं और मैं कोई फूल नहीं, तुम्हारी ट्यूब में हवा है इसलिए सही जगह ले जा रहा हूँ। हवा लाल, बस बाहर निकले के पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? सलाम साहब, ये लोग कच्ची शराब लेके जा रहे थे, मैं नहीं आ ले आया। शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? राजा। तुम लोगों की हाथ पट्टी कहाँ है? ये तो मालिक ही जाने, हम तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर पहुंचाते हैं। तो तुम अपने मालिक का नाम बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मालिक यानी ऊपर वाला, जो तुम्हारा भी मालिक और हमारा भी। हम उर्दू की जबान भी खुलवा सकते हैं। कानून अपने हाथ में लेके। कुछ ढीली हुई जबान, आपने घुटने पे मारा, उसका असर जबान पे कैसे होगा? आप मुर्दे की जबान खुलवा सकते हैं, मगर हमारे मालिक का हुक्म है मरने के बाद भी जबान मत खोलना। अच्छा हाँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हेलो। खाने के लिए घर आ रहे हो? जी, आपके आदमी क्या? अब मुझे कैसे मालूम पड़ता सर कि आपके आदमी है? ये तो जबान खोलने के लिए तैयार नहीं, मैं तो इन्हें हवालात में डालने वाला था सर। नहीं, अब वकील और जमानत की क्या जरूरत है सर? सब जानते हैं कि इस शहर के कानून पर आपकी हुकूमत चलती है। ओके सर, इन दोनों को जाने दो। साहब को पता चल गया हमारा मालिक कौन है। सर धर्मराज के। तुम्हारे मालिक का नाम तुम्हें से पता चला? फोन तो मेरे घर से आया था। शाबाश, तुम में हिम्मत भी है और ताकत भी। ये ना। नो थैंक यू सर, आई हैव ओनली डन माय ड्यूटी एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। अरे तुम पढ़े लिखे हो? पोस्ट ग्रेजुएट सर, अचानक माँ बाप चल बसे, आज मैं पढ़ नहीं सका। तो रिक्शा चलाने के बजाय तुम कोई नौकरी की नहीं तलाश करते? मिलती कहाँ है सर। लेकिन कब तक रिक्शा चलाओगे? आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? कभी तो अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, कभी तो चाहोगे कि तुम्हारा अपना घर हो। मैं सपनों में विश्वास नहीं करता सर, भाग्य विधाता भी शायद हम जैसों का भाग्य लिखते लिखते थक कर उसे अधूरा ही छोड़ देता है। ये तो किसी लेखक या कवि की भाषा लगती है। एनीवे, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। तुम एक काम करो, तुम कल मुझे घर पे आके मिलो। जी, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। जरूर आऊंगा। ओके, नमस्ते। बाय बाय। आप कहाँ है तुम्हारे मालिक? आराम कर रहे हैं। उनसे कहो कि आराम हराम होता है, मुझे उनसे मिलना है। यह नामुमकिन है, जैसे आपकी ड्यूटी वैसे मेरी। मिस्टर वर्मा,
घोड़े और घरे में फर्क होता है। क्या कहा? वरना या तो अपनी नई नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या अपनी जान से। ये सब क्या हो रहा है? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज मैंने दो आदमियों को हाथ पट्टी की शराब ले जाते हुए पकड़ा है, जिनमें से एक ने यह कबूल किया है कि उसके मालिक से धर्मराज है। और आप फौरन से धर्मराज के घर पहुंच गए? क्योंकि यह मेरी ड्यूटी है। मैं आप ही के शब्द दोहराता हूं कि हम जैसे बड़े लोगों के जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन कम। आई ये देखिए, ये हमारा बार है। दुनिया भर की कीमती से कीमती शराब यहां मौजूद है। Care to have a small one? जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। वो क्या है कि दुनिया भर के लोग हमें मिलने आते हैं, उनकी खातिर तो हमें करनी ही पड़ती है, वरना हमारे तो सिर्फ तीन ड्रिंक्स हैं। पहला ठंडा पानी, दूसरा गरम दूध, और बात हुआ तो लस्सी, वो भी मीठी। आई सी। यू सी लाइक अ ब्लाइंड मैन। वरना आप हाथ भट्टे की शराब के साथ मेरा नाम लेने की बेवकूफी नहीं करते। hey, मिस्टर धर्मराज। सेठ धर्मराज, अंडरस्टैंड? जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस। और आज के बाद किसी लुच्चे लफंगे की बात में आकर मेरे घर आने के बजाय आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाइएगा, वरना वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। हेलो गोविंद, बैठो। थैंक यू सर। सर, मुझे एक अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। किसे गिरफ्तार करना है? सेठ धर्मराज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यस सर। कल रात मैंने दो बदमाशों को कच्ची शराब ले जाते हुए पकड़ा, जिनमें से एक ये बोल गया कि उसके मालिक सेठ धर्मराज है। आप हंस रहे सर? तुम्हारी नादानी पर। जो अक्सर ड्यूटी की खातर जान तक खतरे में डालने को तैयार यंग आईपीएस ऑफिसर कर बैठते हैं। सर, मैं शहर के लिए नया जरूर हूँ, लेकिन अब तक जो जानकारी मैंने उस आदमी के बारे में हासिल की है उससे कहीं ज्यादा पुलिस की सीक्रेट फाइल्स में रिकॉर्डेड है। फिर भी उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हमें जो कसम दिलाई जाती है कि भले ही वो कितना बड़ा आदमी हो, अगर वो गैर कानूनी काम करता है तो मुजरिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मगर कसम खाने और उसे निभाने के बीच में कई दीवारें आड़े आती हैं। किस देश में माफी जैसे गिरोह और उनके बादशाह नहीं है? सेठ धर्मराज उसी लेवल का आदमी है। कानून से भी बढ़कर? हाँ, क्योंकि कानून बनाने वाले खुद उनकी मुट्ठी में कैद है। हम तो सिर्फ कानून के नौकर हैं। सर, मैंने खामखा आपका वक्त जाया किया। तुम्हारा सीनियर ऑफिसर और ज्यादा तजुर्बेकार होने के नाते एक लास्ट वार्निंग देता हूं। जल्दबाजी में अगर धर्मराज से टक्कर देने की कोशिश की, तुमने अब तक जो नाम कमाया है हाथ में मिल जाएगा, साथ में तुम भी। मैं याद रखूंगा सर। नमस्ते मैम साहब। हाँ? मेरा नाम राजा है, मुझे डीएसपी साहब ने बुलाया था। हाँ, आगे। नमस्ते सर। आओ। बैठो। मैं एक मामूली रिक्शा वाला। प्रजातंत्र देश में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है। आज का रिक्शा वाला कल प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बैठो बैठो। राजा, ये हमारी बेटी दीपा। नमस्ते। अलो बापले, आज से इसे स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी तुम पर, 150 रुपए महीना। और अगर तुम गुलामी ना समझो तो रोज शाम को दीपा की ट्यूशन, उसकी 250 अलग। सर, आप जमीन की धूल को आसमान के बादलों तक पहुंचाना चाहते हैं? राजा, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आसमान के बादल भी जमीन की धूल से ही पैदा होते हैं। चलो बेटे, चलो राजा अंकल के पास। चलो राजा अंकल। अंकल? अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? ये तुम्हें अंकल है तो और क्या कहेगी? ये खुशी क्या सर, ऐसी खुशी जो आज तक
मुझे सपने में भी नहीं मिली। कितना भला आदमी है। आदमी नहीं फरिश्ता कहो, जो कि लाखों में एक होता है। मैं चलूं मैडम? परमिशन ग्रांटेड। अरे ये तो बड़े साहब की बेटी है, इसे सलाम करने में कोई खतरा नहीं। सलाम मैम साहब। नमस्ते। ये कौन है राजा अंकल? ये भी मेरी तरह रिक्शा चलाता है। तुम्हें लेने के लिए कितने बजे आऊं? ठीक 4 बजे। अच्छा बेबी, टाटा। टाटा। क्यों बे राजा, क्या चक्कर चलाया तू 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 तुमने? मैंने नहीं, मेरी तकदीर ने। आज मुझे जो आदर सम्मान मिला वो तुझ जैसों के नसीब में नहीं। आदर सम्मान? अपने को तो सिर्फ माल से ही मतलब है। माल है तो कमाल है। लानत है तुझ पर। मैं चला साला। कोई नई ताजा खबर? नो सर। वायरलेस रूम से भी नहीं? जी नहीं। तो फिर आज की ड्यूटी खत्म। हेलो, यस, आप कौन? मैं प्रेस रिपोर्टर सुरेश बोल रहा हूँ। ओह, आपके लिए फोन सुरेश अखबार वाला। फोन? हेलो, हाँ सुरेश। गुड इवनिंग सर। आपने जो सबक सिखाया था कि प्रेस वालों को कानून का साथ देना चाहिए, तो तुम भूले नहीं अभी तक। आगे बोलो। एक शर्त है कि कानून को भी प्रेस वालों का साथ देना चाहिए। मैं कुछ फोटोग्राफ लेना चाहूंगा फटाफट। मुझे कोई एतराज नहीं। आपने होटल आराम का नाम सुना है? हाँ, जिसका उद्घाटन शहर के बहुत बड़े आदमी ने किया था। जिसका इस वक्त फोन पे नाम लेना ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे पास सबूत है कि वो होटल दिन रात खुलेआम फटाफट अय्याशी करता है। जो भी आपको अभी तक पता नहीं। खैर, थैंक्स टू यू। तुम देखो अभी आधे घंटे में क्या से क्या होता है। बहुत मजा आया। आराम होटल आप लोगों की सेवा के लिए ही खोला गया है। फर्स्ट क्लास। यहाँ बेधड़क किसी के भी साथ किसी वक्त भी आ सकते हैं। आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर खान, इन तीनों को गिरफ्तार करो और कोई भी ऐसे बाहर निकलने ना पाए। मैं ऊपर देखता हूँ, आओ। आपको शायद ये पता नहीं, ये होटल सेठ धर्मराज का है। ये पुलिस है मिस्टर। चलो चलो बाहर निकलो। चलो छोड़ दीजिए साहब, वरना मेरी बीवी को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगी। मारने दो, हम उसे भी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। चलो कपड़े पहनो। चलो 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 सबको लेके चलो। चलो कमान क्या हुआ? पुलिस रेड। और तुम हमेशा की तरह मुझसे पहले पहुंच गए? फटाफट। यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल और एक अनाड़ी प्रेस रिपोर्टर में। मैं अनाड़ी हूँ? सोच के देखो, जो खबर तुम्हारे संध्याकाल के लेट एडिशन में छपनी चाहिए उसे कल लोग हमारे प्रभात के सुबह के एडिशन में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कई दिलचस्प फोटोग्राफ्स। हाँ, तुमने फोटोज भी ले लिए? फटाफट, पूरे 35 फोटोग्राफ्स। एक दो मुझे दो ना, प्लीज हेल्प मी। आखिर हम दोनों दोस्त है ना। बंदे है भाई, बंदी नहीं। वैसे जिंदगी में तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है अनीता। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है ना। मगर अखबार अलग अलग है। मैं चलता हूँ, मुझे फोटोग्राफ डेवलप करने। ओके, इसके बाद मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगूंगी। एटलीस्ट ऑफिस तक लिफ्ट दे दो प्लीज। लिफ्ट देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बैठो फटाफट। कभी कभी दिल करता है कि तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊँ। फटाफट, लेकिन नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे भी एडिटर मुझसे खुश नहीं है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है कि रिपोर्टर हो तो सुरेश जैसा। ओ, मेरे साथ रहकर काम करने का बस एक ही तरीका है। क्या? शादी। यानी कि तुम राजी हो? फटाफट। तो कल नेशनल पार्क में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय। संपादक महोदय, आराम होटल पे जो पुलिस रेड हुआ उसकी खबर मैंने फटाफट आपको टेलीफोन पे दे दी और जो फोटोग्राफ मैंने लिए हैं वो अभी।
फिल्म कहाँ गायब हो गई? जहाँ तुम्हारी अक्कल गायब हो गई। मैं कई बार तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ कि दूसरे अखबार के रिपोर्टर को हमेशा अपना दुश्मन समझो, और खास करके जब वो कोई लड़की हो। अब खबर छपेगी हमारे अखबार में और फोटो उसके। किसके? अरे उसी के जिसको अपनी स्कूटर पर बिठा के यहाँ लाए, जिसने तुम्हें बड़े प्यार से टाटा किया, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। अरे तुम हटो, हेलो रॉन्ग नंबर। ये तुम्हारी 12वीं गलती है, अब की 13वीं गलती हुई ना तो तुम्हारा 13वां हो जाएगा। नाउ गेट आउट, वेंट आउट। अरे वेंट आउट। ये तुम्हारी 12वीं गलती है, अब की 13वीं गलती हुई ना तो तुम्हारा 13वां हो जाएगा। नाउ गेट आउट, वेंट आउट। अरे वेंट आउट। अरे जन्नत में जाओ तुम और तुम्हारा अखबार। ये क्या, कल शादी का ऑफर दिया और आज मुझे कोस रहे हो? अरे तुम्हें थोड़े ही, अपने एडिटर को वो जो रेड के मैंने फोटोग्राफ लिए थे ना, उसका ख्याल है कि वो तुमने चुरा लिए। उसे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा और ये उसे पसंद नहीं। वो होता कौन है हम लोगों के प्यार में दखल देने वाला? तुम कल ही वो नौकरी छोड़ दो, मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। तो फिर करेंगे क्या? हम दोनों मिलके अपना न्यूज़पेपर निकालेंगे। करना पड़ेगा तुम्हारी अकल को सलाम, करना पड़ेगा तुम्हारी अकल को सलाम। अपने साथ तुमको डुबा दोगी मेरा नाम, करना पड़ेगा तुम्हारी अकल को सलाम। वैसे तो मैं तुमसे करता हूँ प्यार, आता है दिल में ख्याल कई बार। वैसे तो मैं तुमसे करता हूँ प्यार, आता है दिल में ख्याल कई बार। कहीं न कर दो तुम मेरी जिंदगी हराम, कहीं न कर दो तुम मेरी जिंदगी हराम। करना पड़ेगा तुम्हारी अकल को सलाम। सच उसको मान के तुम गए रूठ, मैंने किया मजा वो भी था झूठ। सच उसको मान के तुम गए रूठ,
आज से बन गया मैं तुम्हारा गुलाम, क्या समझी, आज से बन गया मैं तुम्हारा गुलाम। करना पड़ेगा तुम्हारी शक्ल को सलाम, अपने साथ तुमको डुबा दोगी मेरा नाम। क्या हुआ? क्यों गुमसुम तुम बैठे हो? दिन में सपने देख रहा था मैं। वो जो रेड के फोटोग्राफ लिए थे ना, मेरे एडिटर का ख्याल है कि वो तुमने चुरा लिए। उल्लू के पट्टे ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आई एम वेरी सॉरी सुरेश, ये फिल्म मैंने ही चुराई थी, मगर अपने एडिटर को नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसे हमारा मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने नौकरी छोड़ दी, अब हम दोनों मिलके न्यूज़पेपर निकालेंगे। जानते हुए भी कि होटल आराम हमारा है, उसने वहां रेड करने की हिम्मत की। आज तक हमने उसे अपनी मनमानी करने दी, बस अब उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। जीवा, काली को कांटेक्ट करो। सिर्फ इतना याद रहे कि वो डीएसपी को जान से न मारे। अरे भैया, तूने उस दिन जो मैनेजर को धमकी दी, उस साले ने मुझे नौकरी दे दी। थैंक यू। काली, तेरे हाथ है या फौलाद? नमूना देखना है? वो तो मैं देख चुका हूँ यार। तो फिर काम की बात कर। मुझे सेठ जी ने भेजा है डीएसपी गोविंद को सबक सिखाना है, मगर जान से मारे बिना। डीएसपी पुलिस ऑफिसर, डबल रेट 20,000 रुपया, एक पैसा भी कम नहीं। डन। भैया क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? अरे तेरे लिए पगली, तेरे सिवा और कौन है मेरा इस दुनिया में? जिस दिन तेरे हाथ पीले हुए और तू टोली में बैठ के ससुराल गई, उस दिन सारे बुरे धंधे छोड़ दूंगा। चाला वाला निकाला, मेरा काम नहीं समझे। ये कौन आया? कौन हो तुम? नाम काले। काम लोगों की हड्डी पसली तोड़ना, और वो भी उनसे पूछकर, हाथ पैर या सर जो भी तोड़वाना चाहे। ये कांस्टेबल ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? वो मुझे रोक नहीं सका, मैंने उसे 2-3 घंटे के लिए सुला दिया। मुझसे कोई काम है? आपसे तो खास काम है हजूर, बताइए क्या तोड़वाना चाहेंगे आप? एक सेकेंड। राधा, राधा मैं भैया। क्या है कि भीतर खामखा घर की चीजें टूटेंगी और तुम्हें तो सिर्फ मेरी हड्डियां तोड़नी है। हेलो,
सॉरी सेठ धर्मराज जी। क्या है? हाँ, आपने ये अपने कौन से भाई को भेजा था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव? हाँ, ये बेचारा तो 6 महीने के लिए अंदर हो गया। नॉनसेंस, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था बस। वो भी इतने सही वक्त पर? ड्राइवर हाँ, ले जाओ अपने साहब को भाई। ये नीली साड़ी वाली जी। आइए। भैया वो अभी आते। जी तो लड़की आई, वो तो काली की बहन है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो साला हमारे 20,000 रुपए भी खा गया और मार खाकर 6 महीने के लिए जेल चला गया। भैया कहाँ है? किसके भैया? मेरे काली भैया। उन्हें मिलने के लिए तो तुम्हें 6 महीने राह देखने पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे काली भैया जेल में है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हमारे हर खास आदमी को जेल में घर से भी ज्यादा आराम मिलता है। अरे ये भी तो तुम्हारा घर है। आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन। तक दिना दिन, तक दिना दिन, दिनक दिनक दिन दिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन। क्या ख्याल है? ये तो शादी के बाद का
सकता शादी किए बिन, जो हो ही नहीं सकता शादी किए बिन। आज अपनी रानी का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन। तुझे सोने या हीरे का हार चाहिए, तुझे सोने या हीरे का हार चाहिए। मम्मी पापा का मुझे तो प्यार चाहिए, मम्मी पापा का मुझे तो प्यार चाहिए। राजा अंकल को मत भूलना लेकिन, राजा अंकल को मत भूलना लेकिन। आज अपनी रानी का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन। तक दिना दिन, तक दिना दिन, दिनक दिनक दिन दिन। आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन, आज अपनी डार्लिंग का आया जन्मदिन। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। साहब मैं बर्बाद हो गई, किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। मेरी इज्जत से धर्मराज ने लूट ली। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं चारपत्ती वाले चौराहे की पब्लिक टेलीफोन से बात कर रही हूँ। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके इंस्पेक्टर खान, yes, sir. इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। yes, sir. डॉक्टर से कहना मुझे इनकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए अर्जेंट। ओके सर। आओ बेन, आओ बेन, आओ। हटाओ। ये सब क्या हो रहा है? हाथ आगे बढ़ा धर्मराज। दोस्ती का लाए रंगे हाथों पकड़े जाने का। किस जुर्म में? काली की बहन की आबरू लूटने के जुर्म में। मिस्टर गोविंद, काली को आपने जेल कर दिया, उसकी इकलौती बहन शायद धंधा करने लगी हो, मगर हमारा उसके साथ कोई संबंध है ये बात प्रूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, शुक्र मनाओ, वरना तुम जैसे लातों के देवता बातों से नहीं मानते। आओ चलो चलो। वो भी हथकड़ी में। चलो, यह है तुम्हारे जुर्म का सबूत, काली की बहन का बयान और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट। पढ़ो, पढ़। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, DSP। सेठ धर्मराज पर इतना गंदा इल्जाम लगाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आज की रात हवालात में गुजारो, कल सुबह अदालत में देखा जाएगा। अदालत में मेरे वकील तुम्हारे केस की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, तुम्हारी वर्दी छीन ली जाएगी, तुम इस शहर में सूरत नहीं दिखा सकोगे। चलो, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा नाम धर्मराज से शर्मराज कैसे बनाता हूं। चल चलो। हथकड़ियों की कसम, मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगा, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी
जो तुम्हारे कानून में भी नहीं। सेठ लोग बैठ तो गए, ये नहीं बोला कि कहाँ जाना है। अरे तेरा रिक्शा वाला है कि हाँ जाम। अरे ये सुहानी शाम, ये हमारा हुलिया, ये फूला का गजरा, क्या नहीं समझे मिया? समझ गया, तब तो अपना भी भला होगा। तो चल दोनों का हजार साल रखना। नमस्ते सेठ जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना कि मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। मैंने जो हवालात में कसम खाई थी उसे याद रखिएगा। आज तक जो लोग हमारा नाम सुनकर थर्राते थे वो आज हमारी पीठ के पीछे हंस रहे हैं। उस कमबख्त ने हमें धर्मराज से शर्मराज बनाने की चुनौती दी है, हम उसे बर्बाद करके रख देंगे, मगर एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सलामी जी, सदर सलाम। अरे मुए हकले, तू फिर मेरे घर में है? यहाँ से फौरन बाहर निकल जा, वरना स्त्री सुलग रही तेरे पीछे चिपका दूंगी। ओ जो गुल्लू है ना, उल्लू, उसके पीछे चिपकाना। मैं तो तेरे फायदे की बात करने आया हूँ। बड़ा फायदे की बात करने आया साला हकलू का बच्चा। आज दो लखपति सेठ मेरे रिक्शे में बैठे। अरे सेठों के पास मोटरें होती है, मेरे रिक्शे में बैठे। अरे पहले बात तो सुन ले, बीच में रोक मत। वो तो ऐसे वैसे सेठ नहीं है, धर्मात्मा है, परमात्मा है, महात्मा है। ये तो बैठते ही बोले क्या खटारा रिक्शा चलाता है, कल ही तुझे नया रिक्शा दिलवा दूंगा। नया रिक्शा? हाँ, मैं तो सुन के चक्कर खा गया। तो दूसरा सेठ बोला, अगर लखपति लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े भले लोग हैं। हाँ, तभी तो यहाँ ले आया, बाहर रिक्शे में बैठे हैं। अच्छा? हाँ, तू तो मुझे घास नहीं डालती, मगर मैं हमेशा तेरी भलाई की सोचता हूँ। तेरे बारे में सेठों से कहा, सलामी धोबन बहुत गरीब है, सुबह से शाम तक घाट तक कपड़े धोती है, बेचारी के पास बिजली की स्त्री तक नहीं है। अरे तूने ये नहीं कहा कि झोपड़े में बिजली भी नहीं है? कहा तो एक सेठ बोला हफ्ते भर में लगवा देंगे, तो दूसरा सेठ बोला कपड़े धोने की मशीन भी लगवा देंगे। सच होती है? हकलू हकलाता है मगर झूठ कभी नहीं बोलता। अरे सेठ लोगों को बाहर क्यों रखा है? तो अंदर ना, मैं उन लोगों के लिए चाय का पानी रखती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो पी पा के आए हैं। दोनों को साथ लाने में घोटाला होगा, पहले बिजली वाले को लाता हूँ। हाँ। सलामी धोबन। ठीक है, अब तुम्हें खस को मिया, इसे मैं संभाल लेता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे बुद्धू, दरवाजा खटखटाता काय को? अंदर बिजली लग रही है, कपड़े धोने की मशीन मुफ्त में मिल जाएगी। अबे हकलू, मैंने स्त्री के लिए कुछ कपड़े दिए हैं सलामी को, मुझे जल्दी चाहिए। अरे तो सोच, तेरी सलामी को कितना आराम मिलेगा, तू भीतर जाके कुछ उल्टा सीधा बोल देगा तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। मगर भीतर कौन सी बिजली लग रही है, कैसे लग रही है, कौन लगा रहा है? अरे बिजली लग चुकी है, ये सेठ जी मशीन वाले हैं, पांच मिनट में सलामी से बात करके ये भी आ जाएंगे, तू चला जाना। चौं भैया, तुम्हें भी जाको मजा ले लो ना। तो बैठ, मैं टिपट के आता हूँ। लेकिन लेकिन ये बार बार दबाना क्यों बंद कर देते हैं? ऐसे दानी धनी से सेठ लोग गरीबों की मदद किसी को सुनाए बताए बिना करते हैं। नमस्ते।
भाग गया सलामी ने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सलामी? पूछ सलाम जगह हकली से, सेठा का दल्ला बनकर मेरी इज्जत का सौदा करने आया था। साले हकलों में तुझे जान से मार दूंगा। सलाम जगह को छोड़ और मुझे मार डाल। ऐसा क्यों बोल रही सलामी? अगर तुम मुझसे शादी कर लेता तो आज किसी की इतनी मजाल होती। ठीक है सलामी, चलो भी चल मंदिर में, मैं आज शादी करता हूँ तेरे साथ, शायद तुम्हें तक जिंदा रहूं। अगर तू मर गया तो यमराज से तुझे जिंदा करवा लूंगी सावित्री की तरह। चल चल मेरे साथ। एजी, उठो ना, सुबह हो गई है। मैं रात को तेरे खटिया में सो गया। सिर्फ खटिया में नहीं, मेरे साथ। कल हम दोनों की मंदिर में शादी हुई थी। मुझे याद है कि हमने मंदिर में शादी की थी। मुझे ये भी याद है कि शादी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद हम दोनों की सुहाग रात हुई थी। सुहाग रात कब हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें दूध में भांग पिला दी थी, वरना तुम मरने के डर से मेरे पास आते ही नहीं। अरे हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उस जोशी ने तो कहा था कि मैं आग लगी उसमें जोशी के मुंह में। हम दोनों तो 100 साल जिएंगे और मैं कम से कम तुम्हारे 5 बच्चों की माँ बनूंगी। मेरी समय माँ। अरे एक और पूरे आधा दर्जन हो जाएंगे। चलो चलो मुँह हाथ धो लो, चाय बिल्कुल ठंडी हो रही है। कहीं तुमने चाय में भी तो थोड़ी सी भांग? अब उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बगैर ही। आज का क्या प्रोग्राम है डार्लिंग? ड्यूटी पे जाना तो जरूरी है, कोई खास वारदात नहीं हुई तो शाम तक घर लौटाओ। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमने आपसे बिना पूछे शाम का प्रोग्राम तय कर दिया। कौन सा प्रोग्राम? हमने आपके सम्मान में शाम को 6 बजे एक सार्वजनिक सभा का इंतजाम किया है। किस खुशी में? धर्मराज जैसे दोगले आदमियों को सबक सिखाने के लिए। वो तो मेरा फर्ज था। और आपके फर्ज का आदर करना हर अच्छे नागरिक का फर्ज है। अखबार वालों से बातों में जीता बड़ा मुश्किल है। अब आप फंस गए, आपको जाना ही पड़ेगा। अकेले नहीं, आपको भी आना पड़ेगा के साथ। अच्छा, हम लोग चलते हैं, हमें कई जगह जाना है। ओके बाय बाय। नमस्ते। ओके बाय बाय। नमस्ते। आपका सम्मान होगा, कितनी खुशी की बात है। खुशी नहीं मैडम, डबल खुशी की बात है, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी तो हार पहना जाएगा। टाटा। टाटा अंकल। अब तो 4 बजे आएगा, बेकार बैठा क्या करेगा, इतने में 2-4 भाड़े मार ले। अबे भाड़े के टट्टू, पैसों की हाय तुझे लगी रहती है। मैं तो अब दबा के खाना खाऊंगा, फिर किसी पेड़ की छांव में रिक्शा में आराम करूंगा। हेलो। देखो तुम्हें बनाओ और श्रृंगार में काफी वक्त लगता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी से तैयारी वगैरह शुरू कर दीजिए, और जैसे दीपा आए उसे साथ में लेकर पुलिस स्टेशन चले आना, तो फिर यही साथ में चलेंगे फंक्शन पे। ओके। अच्छा ठीक है। आओ बेबी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, मैं राजा अंकल के साथ जाऊंगी। उसी ने मुझे भेजा है, उसके रिक्शे की चैन टूट गई। आओ आओ। दीपा अभी तक स्कूल से नहीं आए। चिंता की बात नहीं, राजा है ना, शायद रिक्शा खराब हो गया रास्ते में। तुम ऐसा करो, तुम आया से कहना जैसे राजा वहां पे पहुंचे दीपा को लेके सीधा फंक्शन में चला है। तुम भी वहां पे पहुंचो, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है, कोई तोहफा लगता है। सांप किसी से तोहफा नहीं लेते, इसलिए कोई चुपके से रख गया। सांप के आने तक किसे अंदर रख देना। बहुत भारी है मैम साहब। उफ़ो, हाथ लगा। मगर इसमें है क्या? Thank you.
डीएसपी साहब के सम्मान की वजह दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो इनसे कई ऊंचे ओहदे के लोग भी नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। यह सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं बल्कि आप सब लोग इसमें बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अगर पब्लिक मदद ना करे तो पुलिस अपना फर्ज अपनी ड्यूटी सही तौर पर नहीं निभा सकती। डीएसपी साहब की पत्नी, जनता आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेगी प्लीज। मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। मेरा मतलब है आप लोगों ने मेरे पति को जो आदर दिया है राधा, उससे खुशी के मारे मुझे अपने आप पर भी काबू नहीं रहा। मेरी आंखें और गला दोनों भर आई है। मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आप लोगों के सम्मान का बोझ मेरी पत्नी संभाल नहीं पाई। आइए मैम साहब, यह आज तुम्हें क्या हो गया? इतने दिनों में मैं आज तक नहीं जान सका कि तुम्हारा दिल इतना कमजोर है। हाँ था, मगर आज से पत्थर का हो गया। क्यों? घर में जाओ और अपनी ड्यूटी निभाने का भयानक नतीजा देखो। क्या? हमारी दीपा, हमारी दीपा को। अब स्कूल छोड़ने किसे ले जाऊंगा? रिक्शा तो चूर चूर हो गया, लेकिन लेकिन मैं क्यों जिंदा रह गया हमेशा के लिए जी खोकर। राजा, जो होना होता है होके रहता है। हिम्मत रखो, हिम्मत। रोना तो मुझे चाहिए। तेरी इकलौती बेटी थी दीपा। मुझे तसल्ली मत दीजिए साहब, बेबी की मौत का कारण मैं हूं। मैं स्कूल के बाहर परीक्षा में आराम कर सकता था। राजा, रोना बंद करो। तुम्हारे तुम्हारे रोने से दीपा वापस लौट कर नहीं आएगी। मैं तो पराया हूं, लेकिन पिता होकर अपनी बेटी के लिए आपकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। हाँ, क्योंकि आंसू तो सबको नजर आते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आग चल रही है वो किसी को नजर नहीं आती। देवी की मौत किसके हुक्म से हुई आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी वक्त उसे जाकर आप गोली क्यों नहीं मार देते? क्योंकि सबूत नहीं है मेरे पास। और मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। मैं तेरी मौत का बदला लेके रहूंगा। ना।
बाय पापा। बेटा और बेटी किसी न किसी रूप में मेरी दीपा को वापस जरूर भेजेगा और जल्द भेजेगा। फिर उसे भी बुला लिया तो? शाम के वक्त कोई भी अशुभ बात नहीं करते। दीपा का लगाव तुमसे ज्यादा मेरे साथ था। मानता हूं कि तुम मां, तुम्हारा दुख मुझसे ज्यादा है, लेकिन लेकिन चोट मेरे दिल पे गहरी लगी है। ये भी तो सोचो कि मेरी जिंदगी क्या है। हा? क्या है मेरी जिंदगी? हो सकता है मैं भी किसी दीपा की तरह। शाम के समय अशुभ बातें नहीं कहनी चाहिए। जो आप नहीं कर सके, क्योंकि आपके हाथ कानून ने बांध रखे हैं और मेरे इन हाथों से बेटी के होने की मौत लिखी है। तुम फांसी चढ़ना चाहते हो? फांसी के बिना भी एक दिन सभी को मरना है साहब। मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं। एक दिन राजा को अंकल कहा था, वो चली गई और उसके लिए जान देने से बढ़कर और कोई खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती साहब। राजा राजा तुम पढ़े लिखे होकर जाहिलों की तरह बातें कर रहे हो। तुम जाओ ऐसे, चलो, क्योंकि इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जाओ, आई से गो। राजा कुछ किए बिना नहीं रहेगा और जानबूझ के मौत मोल लेगा। सेठ जी काली कलर से रिहा होने वाला है। अच्छा, बेचारे की बहन उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली। मरकम, जाओ उसका इंतजाम करो तुम। ला, खाना खा लेना। आठ आने में खाना। वाह लक्ष्मी, मैं आ गया, एक बढ़िया चाय तो देना। ये तूने क्या किया? दार, आत्महत्या, लेकिन क्यों? तू मुझे बता, क्या क्या सोचा है तेरे बारे में? क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए? सोचा था कि तेरे धूमधाम से तेरी शादी करूंगा मैं। क्या क्या अरमान थे मेरे, तुम मुझको छोड़ के क्यों गई? छोड़ के क्यों गई?
काली भैया, लक्ष्मी बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। क्या? कल रात मैंने तुम्हारे वो लंबे चौड़े दोस्त को तुम्हारे घर आते देखा। एक मिनट के बाद वो बाहर आया और भाग गया। उसके बाद मैंने लक्ष्मी बहन की चीख सुनी। जब मैं अंदर आया वो दम तोड़ चुकी थी। ये क्या काली? जहर, शिशि तो खाली हो गई, वरना तेरी चाल में दुश्मनी पलट देता। जहर के साथ शिशि भी तेरे गले के नीचे उतार देता मैं। छह महीने तुम जेल काट कर आए, उसमें तुम्हारा दिमाग फिर गया है काली? अरे जिसे तुम सेठ जी कहा करते थे उसे तुम तू तलाक करने लगे? अरे तुम जेल गए, तुम्हारी बहन के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया काली? आखिरी सांस तक क्या तूने मेरी बहन की आबरू लूटी और फिर उसे जहर पिलाया जबरदस्ती और उसकी हत्या को आत्महत्या में बदल डाला? ये तुम क्या कह रहे हो काली? अरे जिस कुत्ते को तूने भेजा था मैंने उसे चांद से तो नहीं मारा, मगर उसे अनमरा करके अपने रुमाल ही कुत्ते एक कमी है। अरे मुझे कोई बचाओ! तुझे काली काली छोड़ दो इसे, छोड़ दो काली, काली तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेजी साहब मुझे छोड़ दीजिए, तू भी साथ मुझे छोड़ दीजिए। तेजस्वी साहब, पिछली बार आपने मुझे जेल भेजा, मैंने अपनी गलती की सजा भुगत दी, लेकिन इस बार आप गलती करें, इस जलील कमीने के हाथों में हथकड़ी नहीं, गले में फांसी का फंदा होना चाहिए। फांसी का फंदा तो अब तुम्हारे गले में होगा। खड़े रहो। डीएसपी साहब, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, वरना ये मुझे जान से मार डालता। मेरी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे सारी हकीकत के बारे में मालूम है काली, हमें तुम्हें गिरफ्तार करने का अफसोस भी है, मगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बजाय तुम्हें कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? कानून के सिर्फ दो असूल होते हैं, एक पक्का सबूत या रंगे हाथों पकड़े जाना। शुक्रिया डीएसपी गोविंद, आज आपने हमारे अगले जन्मदिन की बुनियाद डाल दी। उसे मजबूत करा लीजिए, वरना बालू के घरौंदी की तरह ढह जाएगी। आओ। हकलू, तू ठीक ही कहता था, मार के बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं। तभी तो तू चने खाता है और मैं फल। बेबी गई, नौकरी गई, बड़ी कड़की चल रही यार। मैं किसी को कर्ज नहीं देता। कर्ज नहीं यार, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। एक घंटे में 2000 रुपए कमाने वाला हूँ। कैसे? बस तेरी तरह खोटे धंधे करके। अच्छा? यहाँ का माल वहां पहुंचाना, मगर रिक्शा नहीं है यार। इसे अपना ही रिक्शा समझ, जल्दी बैठ, मगर 2000 में से 1000 मेरा हिस्सा मंजूर है। मंजूर है, चलो चल। जंगल में माल कहाँ मिलेगा? तो क्या सड़क पे पड़ा मिलेगा? नीचे उतर, सुनसान जगह है, यहाँ तेरे चीखने चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुनेगा। क्या मतलब? तुझे अपना हिस्सा 1000 चाहिए ना, तो संभाल। मुझे मार कर रहा है, पता तो सही, क्योंकि जिस दिन बेबी तेरे रिक्शे में बैठकर गई दुनिया से चली गई। मुझे कुछ नहीं मालूम। एक रिक्शे वाले ने तुझे बेबी को स्कूल से ले जाते हुए देखा है। वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मार मत, खून निकाल दिया। अभी तो सिर्फ खून निकाला है, मैं तेरा खून बहा डालूंगा, वरना सच बता दे बेबी को किसने मारा। तेरे मुझे 500 रुपए दिया, बेबी को रिक्शे से उतार के घर में ले गए। आगे क्या हुआ? बताता हूँ, बताता हूँ। साहब साहब, मैंने दीपा के खूनी का पता लगा लिया। कौन है वो? कौन है वो? जीवा, धर्मराज का गुंडा, जो हर रोज शाम को मूनलाइट क्लब में जाता है।
मार मार के कचूमर बना दिया और मेरे मुंह से चिरा का नाम पुकलवा लिया। ये हमारी मौत का परवाना है। डीएसपी गोविंद को आज तक सिर्फ एक सबूत का इंतजार था जो उसे राजा हकलू और जीवा से मिल सकता है। इन तीनों का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जीवा, राजा और हकलू को खत्म कर दो। और वफादार आदमी थे अभी हूं सेठ जी, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। अब दो में से एक ही जिंदा रह सकता है जीवा, या तुम या सेठ धर्मराज। मैं समझा नहीं सर। डीएसपी गोविंद को पता चल गया है कि उसकी बेटी को तुमने गायब किया था, मगर इससे साबित तो नहीं होता कि उसका खून भी मैंने किया है। मैं अपने हर आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम्हारा बदन फौलाद का है मगर दिल चूहे जैसा। पुलिस के दो चार लात घूसे तुम्हारी जबान खोल देंगे। आपने मुझे गलत समझा सेठ जी, मैं मर भी जाऊंगा मगर मेरी जबान नहीं खुलेगी। ये क्या हो रहा है? मुजरिम की तलाश, तुम भी दखल मत दो। किसी के घर में घुसने के लिए सर्च वारंट चाहिए। मुजरिम का पीछा करते वक्त नहीं। शट अप। महफिल में आता हूँ आते ही छा जाता हूँ, जिस महफिल में आता हूँ आते ही छा जाता हूँ। नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। महफिल में आता हूँ आते ही छा जाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। हो गए खामोश
तक जो कहां गया वो जोश। ऐसे लटके चेहरों को अगर देख मैं पाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। भूले भटके हो राह दिखाता हूँ, अरे नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। मरते दम तक ना भूले ऐसा सबक सिखाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। मेरी बेटी को तूने गायब किया था? नहीं, काली की बहन को जहर किसने पिलाया? मैंने कहा मैं कोई जोची नहीं हूं। क्या हॉस्पिटल? गिव इट आउट टू मेरा अर्जेंट प्लीज। मुलजिम अभी बेहोश है, आप उसे नींद का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि वो और दो तीन घंटे बेहोश रह सके। इट्स अ पुलिस केस, ही मस्ट रिमेन अलाइव। आप फिक्र मत कीजिए। आइए। आप इसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाइए और स्पेशल वार्ड में दाखिल कर दीजिए। मैं वहां अपने आदमी लेकर पहुंच रहा हूं। हम कंप्लेंट्स लिखाने आए हैं। कंप्लेंट? हाँ, हम जीवा के साथी हैं और उसको ले जाने आए हैं।
मगर सुबह जब डीएसपी साहब आएंगे तो उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम पर कोई शक भी नहीं होगा। आओ चलो। चाबी नीचे। कम ऑन जल्दी। थैंक यू वेरी मच सर। सारा बंदोबस्त हो गया? यस सर, हर बात आपके हुक्म के मुताबिक की गई। वेरी गुड। कौन? गुल्लू धोबी यहाँ रहता है? मालकिन, आप और यहाँ इस तरह? मैं सबसे छुप के तुमसे मिलने आई। ऐसी क्या बात है, आप हुक्म देकर मुझे अपने घर बुलवा लेती। आइए बैठिए। मैं नहीं चाहती किसी को हमारी मुलाकात का पता चले। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? आप हुक्म कीजिए मालकिन। मैं मालकिन बनकर नहीं, एक दुखी माँ की हैसियत से आई हूं। सेठ धर्मराज ने हमारी फूल जैसी इकलौती बेटी की हत्या की है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पति उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। अगर तुम सहायता करो तो तुम वो सबूत हासिल कर सकती हो। मालकिन, आप हमको सब कुछ समझाए दो। हम दीपा बिटिया के खूनी को पकड़ने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। ये है टेप रिकॉर्डर। ये बटन दबाने से ये 6 घंटे तक चलता रहेगा। इसे धर्मराज के घर में छुपा कर रख देना। और यह है माइक्रोफोन, होशियारी से इसे कहीं उसके करीब छुपा देना। वो जो बोलेगा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इसे छुपाना क्या मालकिन? मेरा नाम सलामी धोबन है। मैं ये उसके गले में पहना दूंगी और उसे खबर तक नहीं होगी। चोरी की we'll be right back.
जी, जीवा मरा नहीं। क्या कहा? वो के हॉस्पिटल में है, वो अभी तक होश में नहीं आया, मगर डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है वो बच जाएगा। मगर तुम कौन हो, ये सब तुम्हें कैसे पता है? मैं उनमें से एक हूँ जो आपके एहसानों को कभी नहीं भूल सकते। मगर वो साई और शंकर कहाँ है जिन्हें हमने भेजा था जीवा को खत्म करने के लिए? उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? गोली मार देनी चाहिए उन दोनों हरामखोरों को। क्या हुआ सेठ जी? जीवा ने अगर पुलिस के दबाव में आकर ये बता दिया कि हमने डीएसपी गोविंद की बेटी की हत्या की है, राजा को एक्सीडेंट में हमने खत्म करवाया है, हकलू को हमने मरवाया है, तो ये सेठ धर्मराज सीधे यमराज के यहाँ पहुंच जाएंगे। नहीं, अब जो करना है हम खुद करेंगे। एक एक सेकंड कीमती है। ये भागदौड़ कैसी? शेर धर्मराज को हॉस्पिटल में दाखिल किया है, उनका एक बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया है। 5 मिनट के अंदर जीवा को लेकर किसी और कमरे में चले जाओ और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ये हवलदार कमरे के बाहर ही पहरा देता रहेगा। ओके ओके सर। चलाते डीएसपी साहब? क्योंकि मुझे तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना है। बेटी तो खो ही चुके हो, पत्नी को भी खोना चाहते हो? बेटी और पत्नी तो क्या, अगर तुम मेरे सारे सगे संबंधी भी खत्म कर डालो तो भी एक सच्चे पुलिस ऑफिसर के कदम अपने ड्यूटी निभाते वक्त कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम मेरी पत्नी को जान से मार डालो,
ताकि मुझे कानूनी तौर पर हक मिल सके कि मैं तुम्हारे इस पापी शरीर को अपनी गोलियों से छलनी छलनी कर सकूं। भाग जाओ बहन। क्या किया काली, ये तूने क्या किया? इसने मुझे बचाने के लिए धर्मराज की गोली अपने सीने पर झेल ली। कम से कम एक बहन की आदमी तो बचा देगा साहब, अरे जिंदगी को गुनाह किया है। वो सब धुल गए, तूने तूने मेरी पत्नी की जान बचाई। मगर मगर अपनी बहन की आदमी ना बचा पाया। ये मेरे कुछ पैसे की शादी के लिए जमा किए थे, शायद किसी और बहन की शादी के काम आ जाए। काली हाँ इससे भी बड़ी खुशखबरी देने वाली हूं। हमारी दीपा फिर से आने वाली है। आज से ये सब नहीं चलेगा, मैं खुद बैठ जाती हूं। ओके ओके, संभल के बैठना।
तुम जिसे चाहो अपना बनाना, तुम जिसे चाहो अपना बनाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, दिल का खजाना। एक बार एक से ही बनता है नाता, जिंदगी में जो कभी टूट न पाता, टूट न पाता। हाँ क्या बात कही। एक बार एक से ही बनता है नाता, जिंदगी में जो कभी टूट नहीं पाता, टूट नहीं पाता। एक ही मंजिल एक ही गाना, जिसे चाहो अपना बनाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, जिसे चाहो अपना बनाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना, उससे लुटा दो दिल का खजाना।